ये है आपका जो गुब्बारा सिंह, ये फट जाएगा। अरे वाह, ये क्या हो गया? केमिकल सर, क्या ऐसा हो सकता है कि ये बल्लू केवल टच करने से ब्लास्ट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सच में नहीं हो सकता? एक बार तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो हो सकता है हो जाए। ऐसे तो लॉजिक काम कर जाए। हो सकता, मतलब बोलने का मतलब कि ये उंगली से टच करूंगा तो ये फूट जाएगा? हाँ, केवल हम लोग ऐसे टच करें और ये ब्लास्ट हो जाए। अरे ये तो गजब हो जाएगा। हाँ गाइस, ये सही सुन रहे हैं, ये उंगली से अगर मैं टच करके ब्लास्ट कर दिया तो आप समझ ही सकते हो क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको फुल एनर्जेटिक के साथ हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे आपको कि कैसे होता है। तो चलिए, ये हमारा है बैलून सिंह, और ये हमारा है टेकला सिंह, और ये लास्ट में हमारा है ये गुब्बारा सिंह। अब ये तीनों को अभी देखिए हम प्रेस कर रहे हैं, ये अभी फट नहीं रहा है बैलून, ये देखिए हाथ से प्रेस करने पर अभी फट नहीं रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये जो है उंगली से टच करने पर ये फट जाएगा। अब देखते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे हम कितना प्रेस करके दिखा रहे हैं, ये नहीं फट रहा है। चलिए हम हल्का सा लॉजिक लगाते हैं, साइंस। सबसे पहले हम टेकला सिंह पर करते हैं। ये क्या हुआ, अभी तो फूट नहीं रहा था। तो चलिए हम यहाँ पे पेट्रोल का यूज करेंगे। ये है आपका पेट्रोल, जिसे आप बोल सकते हैं गैसोलीन, ठीक है? तो चलिए हम पेट्रोल को यूज करते हैं। अब पेट्रोल को हल्का सा ड्रॉप डालने पर ये देखिएगा फट जाएगा आपके सामने। ये है आपका जो गुब्बारा सिंह, ये फट जाएगा। अरे वाह, ये क्या हो गया? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको बैलून सिंह को अब यहाँ पे देते हैं, उसके बाद क्या ये बैलून सिंह भी फट जाएगा क्या, वो देखिएगा। अरे ये कैसे हुआ भाई? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इसके पीछे साइंस ये है कि ये पेट्रोल जो होता है ये आपका हाइड्रोकार्बन होता है, और ये जो बैलून जो होता है ये भी आपका रबर का, ये आपका हाइड्रोकार्बन होता है। पेट्रोल आपका नॉन पोलर होता है, जैसे ये आपका पेट्रोल हाइड्रोकार्बन, जैसे पेट्रोल आपका बैलून के साथ रिएक्ट करता है वैसे ये डिसॉल्व हो जाता है, और इसी के कारण ये आपका फट जाता है। मतलब दोनों आपका पेट्रोल और बैलून आपका हाइड्रोकार्बन है, और ये दोनों में रिएक्शन हो जाता है और ये डिसॉल्व हो जाता है पेट्रोल इसमें, इसलिए ये फट जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए गाइस, आपको आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं।